पिछले 1-1.5 साल से सेंट्रल बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा टाइट किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो अब शायद हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इंडिया में भी और US में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए साक्षी। और जो साक्षी बता रही है, तो अब नई सरकार हमारे देश में आई है, एक अच्छा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ से अच्छा संदेश मिला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुरी खबर एक कुवैत से है, एक इमारत में आग लगी और 41 भारतीयों की वहाँ पर मौत हो गई कुवैत में, ऐसी खबर है। 50 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, घायलों में ज़्यादातर भारतीयों के होने की आशंका है। सुबह 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। इमारत में आग लगी उसमें बड़ी संख्या में श्रमिक रहते थे, मजदूर। आग लगने के समय भी कई श्रमिक बिल्डिंग में मौजूद थे। कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया, मगर आग के धुएं के कारण कई लोगों की मौत हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके शोक जताया है और बताया है कि भारतीय दूतावास हर मदद करने के लिए वहां पर जुटा हुआ है। दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और अब बात करते हैं नई सरकार के नए टर्म, मोदी के तीसरे टर्म की। चौबीस जून से संसद का अगला सत्र शुरू होने जा रहा है, यानी इस संसद का 18वीं संसद का पहला सत्र। इस सत्र के दौरान नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या इस सत्र में बजट पेश होगा? इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता लक्ष्मण राय। बताइए लक्ष्मण जी, संसद सत्र की खबर तो आ गई, बजट कब पेश होगा? जी हाँ, नई सरकार बनने के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बजट कब पेश होगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बता दूं कि सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि संसद का सत्र 24 जून से चलाया जाएगा और 3 जुलाई तक चलेगा, लेकिन संसद के इस सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। ये 24 जून से 3 जुलाई तक का जो संसद का सत्र होगा, उसमें नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जो कि राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 3 जुलाई को संसद के सत्र का साइनेडाई हो जाएगा, यानी संपन्न कर लिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बजट सत्र शुरू होगा, तो बहुत हद तक संभावना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में, 15 जुलाई या उसके बाद के दिनों में बजट पेश किया जाए, और बजट सत्र शुरू होने के पहले या अगले दिन जो है वो बजट पेश किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि बजट की तैयारियां नहीं हो रही है, बजट की जो बेसिक तैयारियां होती है, आंकड़े जुटाने के, लिखने के, वो सब काम तो पहले से वित्त मंत्रालय में हो चुका है। लेकिन बजट में ऐलान क्या किया जाएगा, इसको लेके 18 तारीख से प्री बजट कंसल्टेशन होगा, संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा होगा, किसान संगठनों, इंडस्ट्री के लोग हो, उद्योगपति हो, सलाह मशविरा के बाद उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चर्चा के बाद बजट के उन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, फिर जिसका ऐलान आप बजट में देख सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बनी नई सरकार में एक बार फिर से महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय की कमान संभाल ली। उन्होंने नए मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय आवंटित होने के बाद आज वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और दूसरे बड़े अधिकारियों से ने उनका जोरदार वहां पर स्वागत किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ पंकज चौधरी भी, उनके राज्य मंत्री, मौजूद रहे। अब जल्दी ही वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतिम बजट पेश करेंगे। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। और नितिन गडकरी ने भी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गई। यही महाराष्ट्र में महायुति पर भी भारी पड़ा। पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए, लेकिन क्या हुआ,
इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। जेडीयू के केसी त्यागी ने भी एकनाथ शिंदे की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर उसका दुरुपयोग किया। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ग्रहण ली। इस दौरान पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू की करीबी साफ झलकी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने पीएम के पैर छूने चाहे मगर प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और उनकी भीड़ थपथपाई। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतने के बाद पहली बार आज राहुल वायनाड पहुंचे। उन्होंने रोड शो और सभा भी की। इसमें राहुल के लिए भारी भीड़ उमड़ी। राहुल खुली जीप के ऊपर बैठे दिखे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधा। आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. I am a human being. 10 साल के बाद संसद में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। क्या है विपक्ष की चुनौतियां और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। पश्चिम ओडिशा के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पटनागढ़ के विधायक कनक वर्धन सिंहदेव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। निमापाड़ा के विधानसभा क्षेत्र की पहली बार चुनकर आई प्रभाती परिडा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव बालंगीर के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 6ठी बार विधायक बने हैं। वहीं दूसरी उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा राज्य भाजपा के महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है। उनकी छवि एक जुझारू महिला नेता की है, लेकिन वो पहली बार विधायक बनी है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज फेड आउटकम से पहले बाजार में कंसोलिडेशन दिखाई दिया। इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 76,607 पर बंद हुआ। निफ्टी 58 अंक चढ़कर 23,323 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। एफएमसीजी मेटल ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिला। और एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोनथालिया का कहना है कि अब सरकार बनने के बाद बाजार में निवेश आता रहेगा। मनीष सोनथालिया के मुताबिक डिफेंस कंपनियों में अच्छा पैसा बन सकता है। सो मोदी 3.0 100 दिन का जो एजेंडा है उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आपके बजट 1 जुलाई में आने वाले हैं। आई थिंक कंजम्पशन भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट में जरूर आएंगे। पीएसयू में तो अभी भी बहुत दम है, क्योंकि अगर 5 साल का एजेंडा जो ना सरकार के सामने है तो आपके रेलवे डिफेंस मेरे हिसाब से तो इनमें तेजी अभी जस्ट शुरू ही हो रही है। नेक्स्ट 5 साल में रेलवे में बहुत कुछ होने वाला है। डिफेंस में एक्सपोर्ट प्लस आत्मनिर्भर आपकी काफी कुछ जो आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे पीएसयू की लास्ट 3 साल में 5 गुना प्रॉफिट बढ़ी।
समय से पहले मॉनसून आया, मगर अब मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। मॉनसून की चाल पर मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से बात की असीम मनचंदा ने। अभी का जो स्थिति है, मॉनसून काफी एक्टिव है, स्पेशली आपका पेनिनसुलर इंडिया में। जैसे पिछले दो चार दिन में ऑलमोस्ट एवरीडे हमारा मॉनसून का लाइन काफी आगे आ चुकी है। महाराष्ट्र का काफी हिस्से और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी का राज्यों में से हमारा मॉनसून का लाइन काफी एडवांस कर चुकी है। ईस्ट में अभी एडवांस नहीं हुआ है, मगर हम क्योंकि ईस्टर्लीज यहां उतना स्ट्रांग नहीं है कि वेस्टर्ली जो वेदर सिस्टम है उसको डिस्प्लेस करें, उसके लिए हम अभी वेट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी ब्रेक लग गया है मॉनसून के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई भी स्थिति हम ब्रेक का कोई पहली तो बात है, ब्रेक एक डेफिनेशन होता है जब पूरा देश में मॉनसून आ जाती है, मॉनसून ट्रफ फुटहिल्स में चली जाती है और पूरा देश में मॉनसून एकदम वीक हो जाती है। अभी का स्थिति वैसा नहीं है क्योंकि हमारा मॉनसून अभी पेनिनसुलर इंडिया में काफी एक्टिव है और एडवांस भी हो रही है रोज, तो और ये स्थिति में और शियर जोन भी है मॉनसून का जो एक बहुत क्लासिक फीचर है, एवरीथिंग टुगेदर हम ये कह नहीं सकते हैं कि मॉनसून कोई ब्रेक फेज में आ रहा है। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो कहां कहां अभी हीट वेव का अलर्ट आपकी तरफ से जारी किया हुआ है? उत्तर और आपका नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया में अभी हीट वेव का स्थिति है। उसका जो सबसे ज्यादा सिवियरिटी है अभी ईस्टर्न पार्ट्स में, यानी कि ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, गैंगटॉक वेस्ट बंगाल, यही जगह में सबसे ज्यादा है, जिसके चलते हमने आज रेड अलर्ट जारी किए हैं आज के लिए ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इन तीनों जगहों में आपका कल भी हीट वेव रेड अलर्ट के साथ सीवियर हीट वेव का जो वार्निंग वो जारी रहेगा। परसों बिहार से हटने का थोड़ा संभावना दिख रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश एक्सपेंशन होगा, यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश को भी हम कल से रेड अलर्ट में रखेंगे। तो बिहार, झारखंड कुल मिला के दो दिन या तीन दिन तक रेड अलर्ट, उसके बाद ये ऑरेंज में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज रेड अलर्ट, ईस्ट उत्तर प्रदेश में कल पूरा रीजन में आपका रेड अलर्ट आ जाएगा। और जहां तक आपका पंजाब, हरियाणा की बात है, वहां आपका ऑरेंज अलर्ट के साथ आज, उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा। और गर्मी की मार के साथ दिल्ली के में पानी की किल्लत भी लोग झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली सरकार ने अब तक टैंकर माफिया के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए हैं। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस वक्त दिल्ली में पानी का बड़ा संकट है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा उसकी पानी की सप्लाई रोक रहा है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के पानी को रिलीज करने के निर्देश दिए थे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं राज्यों के मुख्य सचिव इस मामले में हलफनामा दायर कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लगातार टीवी पर देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली में किस तरह से पानी का संकट है, किस तरह से टैंकर माफिया काम कर रहा है, किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। आप हमें बताइए कि आपने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया, कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की, क्या टैंकर माफिया के ऊपर आपकी कोई कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम ये काम दिल्ली पुलिस को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आप सारी जानकारी हमको दीजिए कि आपने पानी की बर्बादी रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार को यह जानकारी कल तक सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और माफिया को सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली के अंदर आप कहीं पर किसी भी तरह का अगर पानी का कोई दुरुपयोग कर रहा है, वो चीज़ सामने आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है
दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें, क्योंकि ये हम सबके प्रयास से इसका समाधान संभव है। इधर ग्राउंड परिस्थिति क्या है ये पता लगाया हमारे संवाददाताओं ने, दिल्ली के चिल्ला और गायत्री कॉलोनी का जायजा लिया जावेद और यश ने। ये हालात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि चिल्ला जैसी जगहों पर यहाँ पानी टैंकर से ही सप्लाई होता है। ये देखिए किस तरह से पानी के लिए लंबी लाइन यहाँ पर लगती है। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर लग रही है, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहाँ पानी को लेकर जद्दोजहद देखी जा सकती है। विवेकानंद कैंप का उदाहरण हम देना चाहेंगे, कल हम वहाँ थे, वहाँ पर जब टैंकर आता है तो लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, चलते टैंकर के ऊपर पाइप डालते और अपने अपने हिस्से का पानी किसी तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ लाइन में लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और पानी यहाँ पर उनके जो बॉटल हैं, जो उनके डब्बे हैं, उसमें पानी दिया जा रहा है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत की ये तस्वीरें इसी तरह से नज़र आ रही हैं। भैया यहाँ पे 2009 से रह रहे हैं, 2009 से ही पानी का यहाँ पे तकलीफ ही है। हमेशा देख लो, हम ड्यूटी जाने के 10:30 बजे मेरी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं पानी के चक्कर में, इतना पानी का क्लेश है। 500 रुपये दे के टैंकर आया है, 500 रुपये दे के आप लोगों ने बुलाएंगे? अभी 10 मिनट रुको, अभी वसूलेंगे सबसे पैसे, तब जाएंगे। अच्छा, तो ये सरकारी टैंक नहीं है आपका? सरकारी है, वहाँ तो सरकारी है, यहाँ वसूलते हैं सब, फिर भी वसूलते हैं जी। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा मैं, ये पानी कई लोगों ने मेरे को आगे भी बताया पीने लायक नहीं होता, लेकिन आप मजबूर हैं यही पानी पीने के लिए? पीने के लिए फिर क्या करें, कहाँ से पिए, और गर्मी है, पानी की तो दिक्कत है, अब कोई भरवाता है कोई नहीं भरवाता, फिर भी एक दो बाल्टी भर के गुजारा करते हैं, और टैंकर आता 15-20 दिन में, तो वो दिक्कत होती है, पानी कहाँ से लाएं। और प्रियंका कांडपाल दिल्ली के पहाड़गंज की स्थिति बता रही हैं। लगातार पानी भरने की जो कोशिश महिलाएं कर रही हैं, एक तो इनका कहना है जो इनके घर में कनेक्शंस हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग का जो पानी पीते हैं वो पानी गंदा आ रहा है, जो कुछ नए कनेक्शंस डले हैं उनमें पानी आता नहीं है। ऐसे में घरों से बाहर निकल कर इस धूप में अगर टैंकर का पानी भरने भी तमाम महिलाएं आ रही हैं तो वो पानी भी साफ नहीं आ रहा है। दिल्ली का पहाड़गंज ये इलाका है और यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि विधायक के पास वो कई बार जा चुके हैं, कई बार हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी की समस्या यहाँ सॉल्व होती नहीं दिख रही है। जम्मू कश्मीर में फिर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। डोडा में मंगलवार देर रात आतंकवादियों ने सेना की चौकी पर हमला किया है। गोलीबारी में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया है। इससे पहले कठुआ ज़िले में भी आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। पिछले 3 दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी से कटरा के 30 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को भी यात्रा के दौरान सावधानी रखने की सलाह दी गई है। और रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा अपडेट है। पुलिस ने हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया है और सूचना देने वाले के लिए 20 लाख के इनाम की घोषणा भी की है। पुलिस ने ये स्केच हमले के दौरान मौजूद लोगों के बताए अनुसार बनाया है। दरअसल रविवार को शिवखोरी मंदिर से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलियां दागी थी। हादसे में बस खाई में जा गिरी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियां सिखाएंगे, बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके बताएंगे। ये भी सिखाएंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह रखनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉगिन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commoditygurukul पर।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। नमस्कार।